पावन परम करुणामयं विष्णुपादं स्वश्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। Thank you.
Yeah.
Oh.
चेष्टाओं के साथ प्रार्थना करता है, जो असाध्य है, जो साध्य नहीं है, क्या असाध्य है? हम जैसे जीवों का धाम में रहना असाध्य है, साध्य नहीं है। लेकिन अगर कोई रहता है, कोई प्रार्थना करता है, तो साक्षात उसको असाध्य भी साध्य हो जाता है, उसको प्राप्त हो जाता है। क्या और फायदा क्या है? शुभद युगल सेवा रत्न नौती दूर, बड़ी जल्दी उनको शुभ युगल सेवा प्राप्त हो जाता है। ये प्रार्थना स्थक है। वेणु पणंत रविंद दला
शंभुतामपि तथा समुपेतिका
नैव शीतकालमथावलम्ब्य जीवन्ति नो मम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्मानसयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भासमान्यथा श्लेषु निजेषु तेजः सुनयतियत प्रकटयदपि त्वदत्र ब्रह्मायैष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समय सदनादिराज विघ्नानमियन्तु ममलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अघटीर्मही गगणं भूमरुद्रशश्च कालस्तथा मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यश्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेज यस्याज्ञया भ्रमति मृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि नीचश्रुतस्तम्पाशी ब्रह्मादिकीर्तपतकमलश्च जीव यद्वद्भ्रमप्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिन् त्रिरूपमथ वैन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनं मातनोति कर्माणि निरदति किन्तु च भक्तिभाजा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यमक्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्तय तस्य सदृशं तं नुवेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्तकान्त परमपुरुषकल्पतरवो नृमा भूमिश्च चिन्तामणिगणमयितोऽयं ममृतम् कथागाननाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिपरममपि स्वा तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिश्च सुमहान् निमेषर्धक्षुना व्रजति न हि यत्रापि समय भजेष्वेत्वदीपं तममिह गोलोकमिदं यं विन्दस्ते सन्तः चितिविरलचार प्रतिपय गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
हंस के स्वरूप में जो गोलोक धाम प्रकट हुआ, इसको अगर इस तरीके से देखें, तद धाम अनंत किससे अंश संभव, उनके अनंत धाम है, उनके अंश से संभव है, अंश से ही प्रकट हुए, इसका ये भी एक। तद धाम अनंत, तद धाम तद अनंत, जो उनका जो धाम है वो अनंत है और वो हुआ किससे है, तद अनंत अंश, उनके अनंत अंश से संभव। अनंत अंश कौन है? का मतलब धाम कौन? बलराम जी। जो बलराम की उपासना नहीं करते, जो बलराम की आराधना नहीं करते, वो राधा गोविंद जी की सेवा में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ले, हम तो रूप गोस्वामी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, हमको बलराम की क्या जरूरत है, वो धाम की तो जरूरत है, धाम में तो जाना है, तो धाम तो बलराम है। नहीं नहीं, हमारा तो सीधा राधा रानी से कनेक्शन है, हम तो मंजरी भाव की हैं, हमको बलदेव से कुछ लेना देना नहीं। अरे जितने भी मंजरी भाव की क्यों ना हो, जितने भी किंकरी भाव के क्यों ना हो, धाम में तो जाओगे तो धाम तो बलदेव है, बिना बलदेव की करुणा के कृपा के कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है राधा गोविंद की सेवा। बिना सत के, सत को प्राप्त किए आप चिद को कैसे, ज्ञान को कैसे प्राप्त, एक एक जड़ बुद्धि से भी विचार किया जाए तो भी देखें, जड़ बुद्धि से विचार का मतलब होता है सत के आधार पे ही ज्ञान की प्राप्ति, असत के आधार पे कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, जड़ बुद्धि से देखा जाए। और जहां ज्ञान है नहीं वहां आनंद कभी हो नहीं सकता। ना ना ना, ना। ये किंकरी भाव तो गौड़ीय संप्रदाय में ही तो ज्यादा कर दिखलाया गया, हालांकि ये भाव जो है निम्बार्क संप्रदाय में भी, बल्लभ कुल में भी है, चलो गौड़ियों ने ज्यादा प्रकट किया मान ली, लेकिन मेरा प्रश्न है नीताई भी ने भाई राधा कृष्ण पाई थे ना, दृढ़ को धरो नीताई पाए, नीताई ना बलील मुखे मजलो संसार सुखे। ये जो नित्यानंद प्रभु की महिमा बोली, वो तो नित्यानंद है, तो नित्यानंद और बलदेव, राधा और कृष्ण की उपासना में नित्यानंद की कितनी करुणा है, कितनी कृपा है, कितनी उनकी करुणा की, मतलब मैं सीमा नहीं कह सकता, सीमा ही नहीं है। ये प्रश्न बहुत सुंदर है, कहते रूप गोस्वामी जो हैं, उनके अनुगत में जो रूपानुग हैं, उनको क्या बलराम जी की शरण लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट अगर रूप गोस्वामी से हैं तो क्या उन्हें शरण लेनी पड़ेगी? तो उत्तर है, क्या महाप्रभु जी के किसी भी गण ने नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ली? नहीं नहीं ऐसा नहीं, गुरु तत्व का मतलब तो राधा रानी और बलदेव, ये दोनों ही गुरु तत्व है, राधा रानी गुरु तत्व है, लेकिन इसमें ये है कि जो रूप गोस्वामी जी के अनुगत में है वर्तमान की स्थिति, पानुग हैं वर्तमान स्थिति में, उन्हें बिना ठाकुर जी के धाम के प्रति शरणागत हुए, बिना ठाकुर जी के नाम के प्रति शरणागत हुए, बिना ठाकुर जी की शक्ति के प्रति शरणागत हुए, उनको राधा रानी की रूप गोस्वामी रूप मंजरी के पास में जाने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी धाम हैं, चाहे वो राम जी का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे यहाँ तक कि चाहे आप साउथ में चले जाओ, जितने भी धाम हैं वहां शिवजी का स्थान है, क्यों
इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं, इसको ध्यान से समझिए, इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं उनको अगर इस संसार से निकलना है तो उनको शिव जी को प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, उनसे आदेश तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप उनकी उपासना करने बैठ गए कि भोले बाबा मैं तेरे व्रत कर रही हूँ, सोमवार को तू मेरे ठाकुर जी मिला, ये भी नहीं करने की जरूरत है। शिव जी को तो केवल हरि नाम सुनाई है, आनंद में प्रफुल्लित हो जाएंगे, बोलो मांग बेटा क्या मांगता है, वही मांगता हूँ जो आप चाहते हैं, बस इतना सा। तो समझने वाली बात यह है हम लोगों के लिए कि हम लोग नित्यानंद प्रभु के या भगवान श्री बलदेव, क्योंकि हम लोग नित्यानंद को बलदेव कह रहे हैं लेकिन और संप्रदाय नहीं मानते, तो उस दृष्टि से अन्य संप्रदायों की दृष्टि से भी देखते हैं, तो बलदेव के बिना या यूं कहें शेषनाग अनंत देव के बिना क्या लक्ष्मी नारायण बन सकते। लक्ष्मी नारायण की सेवा तो बलदेव जी की, शेष जी की अंतरंग सेवा है कि नहीं, इससे ज्यादा और क्या नजदीक हो सकता है। रस भेद है बाहर निकाल दो, उनका अधिकार नहीं है, यहाँ किंकरियों का मंजरियों का है, रस भेद है। अरे तुम जितना रस भेद कर लो क्यों ना कर, जगत में रस भेद की बात होती, इस जगत में ये मनुष्य इस जड़ जगत में क्यों, क्योंकि यहाँ भगवान मर्यादा स्थापित करते हैं। यहाँ पे जेठ है बलदेव जी, लक्ष्मण जी देवर हैं, यहां मर्यादा स्थापित करते हैं, लेकिन वहां तो अलग बात है, अचिंत बात है। जब जीव के लिए कह दिया कि अचिंत भेद और अचिंत अभेद, तो भगवत तत्व की बात कहां से उसमें भेद उत्पन्न कर रहे भाई, ये विचार करने वाली बातें हैं। जब तक हम सच्चिदानंद के प्रति संपूर्ण रूप से बिना किसी शर्त के समर्पित नहीं होते तब तक भगवत धाम में प्रवेश का किसी को अधिकार नहीं है। भले ही बड़े बड़े लेक्चर बोलने आते हो, बड़े बड़े श्लोक बोलने आते हो, श्लोकों का शुद्ध उच्चारण और एक एक अक्षर का अर्थ करना आता हो, भले ही आता हो, लेकिन अगर आप इस बात को निश्चित रूप से लिख लीजिए मेरे आज के इस वक्तव्य में कि कभी भी कोई भी व्यक्ति धाम को छोड़ करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और धाम के जो धामेश हैं, जो धामेश्वर हैं, वो बलराम जी। गुरु जी कई बार बोलते थे, कहते हम तो यहाँ गुरु जी को देखता है, यहाँ गुरु जी है वो हमको हरिना, वो वहां भी है, वहां भी गुरु जी ही खुलेगा। गुरु जी कौन, अब देखिए अभिन्नता, थोड़ी सी मैं एक अलग तरीके की बात करने जा रहा हूं, शायद आप लोगों ने कभी श्रवण ना किया, शायद सुनने में अटपटी सी लगे, शायद ऐसा लगे अब सिद्धांत है, और ये भी लग सकता है कि महाराज की कबूल करना है, लेकिन थोड़ी सी अभिन्नता देखिए राधा रानी और बलदेव। श्री राधा रानी का विग्रह क्या है, राधा रानी का स्वरूप क्या है, कृष्ण आनंद प्रदान कारिणी अल्लाधिनी शक्ति। बलदेव का स्वरूप क्या है, सेवक विग्रह, सेवा की मूर्ति। राधा रानी क्या वस्त्र ग्रहण करती है, नीलांबर। बलदेव जी क्या वस्त्र ग्रहण करते हैं, नीलांबर। राधा रानी कैसी हैं रंग से, गोरी। बलदेव जी कैसे हैं, गोरे। राधा रानी क्या क्या लीलाओं में, राधे राधे। बाबा जी लोग, hey, when you came? Just now, Maharaj. Just now. Okay, come on. So, राधा रानी, हाँ यू कैन ट्रांसलेट ना,
विषय पे ध्यान दे। विषय पे ध्यान दे, बड़ी ही सुंदर बात है कि श्री राधा रानी का रूप कैसा, गौरवर्ण। राधा रानी क्या वस्त्र धारण करती है, नीलवर्ण। राधा रानी कृष्ण की सेवा में क्या रूप धारण करती है, ठाकुर जी के सुख के लिए राधा रानी के हृदय में जो जो भाव उदित होते हैं वो भाव मूर्तिमंत होकर के ठाकुर जी की सेवा में। ठीक है, इधर बलदेव जी को ले लीजिए। बलदेव जी के अंदर में शांत, ऐसा कि कोई उठा ले तो उठ जाए, नहीं तो वैसे कभी से दास से ऐसा कि बस माने ना माने तो मनाए लूंगो मैं। सख्य ऐसा कि तू कौन है बड़ा, तू तो मेरा छोटा है रे, वात्सल्य तेरे कान पे दो दूंगी। और उसके बाद मधुर में भी बलदेव जी का। अब आप कल्पना करके देखिए दोनों क्या विग्रह है, सेवा। दोनों का रंग एक सा, दोनों का वेश एक सा, दोनों का आवेश एक सा। बलदेव जी भी ठाकुर जी के सेवा के लिए धाम के रूप में, आसन के रूप में, वस्त्र के रूप में, उनके जितने भी ये जो अलंकार है अलंकारों के रूप में बलदेव जी भी राजा। तो अब मेरे को कल्पना है, थोड़ा विचार करके देखिए कि राधा कृष्ण में या बलदेव जी में कहीं अंतर है नहीं। ये उसी प्रकार से है जैसे एक तरफ सत है और एक तरफ चिद है, एक तरफ आनंद है, सत और आनंद के बीच में बैठा हुआ चिद। ऐसा नहीं है कि सत इधर है, चिद इधर है, आनंद इधर है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारों तरफ से सत है, चारों तरफ से सत है, और चारों तरफ से सत के बीच में चिद है, और चिद के बीच में आनंद है। सच्चिदानंद घनीभूत अवस्था जो है भगवान के धाम की। तो इसलिए यहां जो कहा भगवान के धाम अनंत हैं, और क्यों अनंत कहा, तद अनंत अंश संभव, उनके अनंत अंश से ही प्रकट होने के कारण उनके धाम भी अनंत है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके अनंत अंश से कुछ प्रकट हो वो अनंत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अनंत अंश से जो प्रकट होगा वो अनंत होगा का मतलब, हाँ अगर शांत भाव है वो अनंत है, वो भाव दास्य भाव है वो अनंत है, साख्य वात्सल्य मधुर जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं अनंत से वो अनंत ही होंगे। लेकिन अनंत की शक्ति से जो प्रकट होता है वो अनंत होने के बाद भी लिमिटेड होता है। ये दो चीजें समझना, अनंत अंश और अनंत शक्त्यांश। अनंत शक्ति का अंश कौन है, बहुत अच्छा जी, अनंत शक्ति का अंश कौन है, अनंत शक्ति की छाया कौन है, अनंत शक्ति की छाया जो है वो महामाया। अनंत शक्ति कौन है, एक और अनंत शक्ति है ना, अनंत शक्ति शक्तिमान नहीं, अनंत शक्ति कौन है, अनंत भगवान की शक्ति कौन है, योग माया। अनंत भगवान कौन है, बलदेव जी। तो बलदेव जी की शक्ति राधा रानी का, तो इसलिए अनंत शक्ति। वैसे तो देखिए ब्रह्म शब्द का जो अगर विवेचन करें तो ब्रह्म राधा रानी भी है, ब्रह्म ही नहीं उनके लिए तो परब्रह्म शब्द प्रयोग हुआ, वो है राधा।
अपनी ब्रह्म स्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा ब्रह्म स्वरूपा, वो ब्रह्म स्वरूपा है। अर्थात तो ब्रह्म का स्वरूपा बोलने का मतलब हो जाता है कि ब्रह्म जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, ब्रह्म स्वरूप वो राधा रानी भी है और ब्रह्म स्वरूपा स्वयं कृष्ण भी है, ब्रह्म स्वरूपा बलदेव भी, मतलब सच्चिदानंद को छोड़ करके कुछ भी नहीं है। जो ये जगत है ये असत है। असत क्यों है? क्योंकि जो नित्य ना रहे उसे असत कहते हैं, जो नित्य ना रहे उसे असत कहते हैं। तो इसलिए असत जगत में सत का प्रादुर्भाव, असत जगत में क्या समस्या है? असत जगत में सत का प्रादुर्भाव का मतलब होता है कि इस असत शरीर में सत भगवान का नाम, नाम से ज्ञान का आविर्भाव होना, और ज्ञान के आविर्भाव से आनंद की प्राप्ति होना, यही इस शरीर में धाम की संभावना है, है? अनंत की शक्ति नित्य नहीं, ऐसा तो बोला नहीं। वो अनंत शक्तावेश की शक्ति का जो अंश है वो अनंत होने पर भी, अनंत होना अनंत का मतलब उसकी गिनती नहीं, अनंत होने पर भी वो लिमिटेड है, मतलब वो लिमिट में है। अनंत बोलने के बाद भी उसकी एक सत्ता की एक एक लिमिटेशन है कि उससे बढ़ नहीं सकता जीव तत्व, सिर्फ जीव तत्व वो मतलब प्रकाश कभी भी प्रकाशक नहीं है, लेकिन प्रकाश प्रकाशक की तरह दिखता है। थोड़ा सा एक शब्दों में ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही गंभीर शब्द है, प्रकाश होता है। सूरज का प्रकाश प्रकाशक है क्या? प्रकाश ही है ना, प्रकाश तो प्रकाशक नहीं हो सकता। लेकिन अगर सूरज का प्रकाश प्रकाशक नहीं है तो फिर आप देखते किससे? प्रकाश से तो देखते। तो सूरज का प्रकाश प्रकाशक भी है लेकिन मूल नहीं है, सूरज नहीं है। सूरज से निकलने वाला प्रकाश अपने आप में प्रकाशक है, लेकिन वो प्रकाशक जो सोर्स है वो नहीं है, स्रोत नहीं है। तो इसी प्रकार से अब वो सूरज का प्रकाश जहां पे पड़ता है चंद्र पे, उधर से जो रोशनी आती है दिखता है कि चंद्र प्रकाशमान है, चंद्र प्रकाशक है, लेकिन चंद्र प्रकाशक नहीं है। तो क्या सूरज प्रकाशक है? नहीं। इस वक्त चंद्र प्रकाशक दिखने पे भी वहां जो प्रकाश पड़ा है उसके कारण से चंद्र प्रकाशक है। तो यहां अब दो रूप हो गए, थोड़ा सा समझने में कठिनाई ना हो, दो स्वरूप हो गए, ध्यान दीजिएगा। ये चंद्र सूरज, सूरज से प्रकाश निकलता है चंद्र पे पड़ता है, चंद्र प्रकाश मान हो जाता है, अर्थात प्रकाश उससे निकलने वाली का उस प्रकाश को सूरज का तेज ना कहकर चांदनी कहते हैं, चांद की चांदनी। सूरज का प्रकाश, सूरज के प्रकाश में गर्मी है, चांद के प्रकाश में रोशनी में शांति है, क्या है उसमें? ठंडक है, शीतलता है। थोड़ा ध्यान देना इस बात पे, एक सूरज है ये सॉलिड, इस सूरज से निकलने वाला प्रकाश ये कभी ये कारण नहीं बन सकता, ना था ना बन सकता है, लेकिन अपने आप में निकलने वाला प्रकाश कहीं दूसरी जगह जाकर के प्रकाशक बन सकता है, समझे? यहां पे तो नहीं बना हुआ, इसके सामने तो हमेशा ही अंश रहेगा, लेकिन दूसरी जगह जाके वो अंशी की तरह दिखता है। वो कौन है? जितने देवता हैं वो सारे के सारे शक्त्यावेश हैं, विशेष रूप से प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र मरुदगण वसुगण, ये सारे के सारे भगवान की वो शक्ति, उस वो अलग पॉइंट आता है, वो अलग आता है।
शिव जी, ब्रह्मा जी और अभी जीव नहीं है विष्णु भगवान भी, वो मूल प्रकाश से प्रकाशक है, एक सोर्स अलग से बन गए। तो ऐसे ही अनंत जो धाम है वो अनंत धाम अपने आप में मूल गोलोक धाम से भिन्न होने पे भी, अलग होने पर भी वो मूल गोलोक धाम का ही प्रकाश है। इसलिए सारे वैकुंठों को गोलोक धामनी कहा गया, सारे वैकुंठ ही गोलोक है। क्यों गोलोक है? क्योंकि स्वयं प्रकाशमान है। समझ लगी? अब देखिए एक चीज, जीव तो स्वयं प्रकाशमान नहीं है। चाबी घूम गई भाई, जीव स्वयं तो प्रकाशमान नहीं नहीं है, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। जीव स्वयं प्रकाशमान है। कैसे प्रकाशमान? क्योंकि जीव ने सॉलिड अवस्था धारण की। थोड़ा जीव तत्व, जीव ने क्या धारण किया? सॉलिड अवस्था। एक है निराकार अवस्था, जैसे प्रकाश की है, शब्द आप देख रहे हैं। एक इसी प्रकाश से प्रभावित होकर के सूर्य मणि बनती है, सूर्यकांत मणि। और वो सूर्यकांत मणि वहां प्रकाश से उठा करके अलग ले आइए, रख दीजिए तो अपने आप में प्रकाश हो जाते हैं। अंधेरे बात समझे? तो इसी प्रकार से जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं है, वही ब्रह्म जब घनीभूत होकर के, एकत्रित होकर के बिंदु रूप धारण करता है, चित्रण रूप धारण करता है, तब जीव कहलाता है। तब क्या कहलाता है? और वो जीव अब प्रकाशमान है स्वयं, क्योंकि जीव का इंडिविजुअल अब आकृति हो गई और ब्रह्म की आकृति इंडिविजुअल अलग से नहीं है, इसलिए जीव प्रकाशमान है। होने पर भी जीव अपने मूल स्रोत का कभी भी सामना नहीं कर सकता। कभी सामने का मतलब उसके बराबर खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जब शक्ति अंश है तो शक्ति अंश ही रहेगा, शक्तिमान नहीं बन सकता। परम गुरु जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही, शब्द याद है तेरे को वाली, और तो शक्ति का अंश है वो, तो कभी शक्ति शक्ति कभी शक्तिमान नहीं हो सकता है, शक्ति तो शक्ति ही रहेगा, शक्ति तो शक्ति रहेगा, शक्ति तो कभी शक्तिमान होता नहीं, प्रकाश तो कभी प्रकाशक होता नहीं। परम गुरु जी का बड़ी सुंदर ना, तो परम गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात ये कही, अंगुली तो आदमी नहीं है, अंगुली आदमी से है, आदमी का है, आदमी से आदमी का, आदमी में और उसी के लिए है। ए अंगुली बोलता है हम अलग हो जाएगा तो उसको अलग से उसकी मनुष्य कोई नहीं बोले। अरे बोल, आरती करनी, आरती बैग कैसे करेगी? वहाँ पे देखो मंदिर खुला क्या प्रभु? कहाँ पे? उधर नाना चर्च के पास। यही यही से ऐसे कुंडिंग कर लेते हैं। वहाँ पे मंदिर खुला। लाल वाला? वो सामने लिखा है। अरे बोल, अरे बोल। आज ब्रिक्स। अरे एक तो देख ले। एक दिख जाएगा और गेट तो। वन बिहारी जी का मंदिर है ऊपर, इधर से देख लेफ्ट साइड से जाकर। नहीं खुला गुट्टे के रिश्तेदार आया था जब खो दिया था ना। वो नहीं यहाँ ऊपर काका पोता आया था ऊपर ऊपर ये वाला। कहाँ? तो उसका दादा पोता नाता आया था जब खो दिया गुट्टे आके। कहाँ है ये वाला? इसके अंदर चरण चरण है। किसने बोला? अभी भी चरण पर हमारे ये सब बोला है।
बंद है मंदिर बंद सामान देखना रजत सुरेंद्र